नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी में गौतम मेमोरियल हरियाणा स्टेट हैंडबॉल मैन वुमेन टूर्नामेंट के दूसरे दिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह व CBLU के उपकुलपति प्रोफेसर आर के मित्तल ने शुभारंभ किया। डॉक्टर जगवीर सिंह व प्रोफेसर आर के मित्तल ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेलों का भी बड़ा महत्व है, इसलिए खिलाड़ियों को शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी महत्व देना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल नीति के तहत सरकार खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार व नौकरियां तक देने का काम सरकार ने किया है, इसलिए खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेलकर देश का नाम रोशन करें। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ खिलाड़ियों को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, सरकार भी खेलों पर ध्यान दे रही है और जो खेलता है वह नशे जैसी बुराइयों से भी दूर रहता है, इसलिए खेल युवाओं को राष्ट्र से भी जोड़ता है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। क्या कहेंगे जो आज बात बहन भिवानी के पहले कोच श्री राकेश गौतम जी की स्मृति में हैंडबॉल एसोसिएशन ने जो ये टूर्नामेंट कार्यक्रम रखा है, पांचवा हो रहा है। मैं लगभग सभी में आया हूँ। पहले BSF के और आर्मी के उनकी टीमों को बुलाया जाता था, अब की बार हरियाणा के प्रतिभावान खिलाड़ियों को मौका देने के लिए ये हरियाणा के लिए टूर्नामेंट हैंडबॉल एसोसिएशन रखा है। मैं इनको बधाई देता हूँ कि मैंने हरियाणा के उभरते हुए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए अवसर उन्होंने सबको दिया और निश्चित रूप से मानूंगा कि मैं हरियाणा के खिलाड़ी इसमें भाग लेकर के 19 जो टीमें आई हैं अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने आप को बढ़ावा देंगे। टीमें आई हैं की व्यवस्था खाने पीने की बात की जाए किस तरह की व्यवस्था है? पांचवी राकेश गौतम मेमोरियल हैंडबॉल टूर्नामेंट में पूरे हरियाणा प्रदेश से 25 के करीब टीम आई हैं, बॉयज एंड गर्ल्स की, हर डिस्ट्रिक्ट से लगभग एक एक टीम है और उनके सब की रहने की और भोजन की व्यवस्था हैंडबॉल एसोसिएशन जिला भिवानी ने अपने तरफ से की है। सब बच्चों के ठहरने की व्यवस्था, सब बच्चों को अच्छा भोजन मिले, इसकी सारी व्यवस्था हमारे हैंडबॉल एसोसिएशन जिला भिवानी ने अपने सदर पर की है। तो जो इस प्रकार की टूर्नामेंट कर रहे हैं उस प्रकार का फायदा होगा? देखो, जो प्रतिभावान बच्चे हैं हैंडबॉल के उनको एक मंच मिला है, एक स्टेज मिला है अपनी प्रतिभा को दिखाने का और आगे हरियाणा प्रदेश में और नेशनल लेवल पर आगे बढ़ने के लिए एक इसका मोटिवेशन मिलता है। बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और अपने खेल का प्रतिभा को दिखाते हैं। गौतम मेमोरियल स्टेट हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन भिवानी में आज किया जा रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। भिवानी आप सब जानते हैं कभी बॉक्सिंग के लिए जाना जाता था, आज भिवानी राज्य भिवानी जिला सब गेम्स में सभी खेलों में आगे आ रहा है और हैंडबॉल जैसे खेल में एक ऐसे सफल आयोजन करके इससे खिलाड़ियों को हौसला बढ़ेगा और भारत में जो खेलों के प्रति रुझान दिखता है वो इससे और आगे बल मिलेगा। इसको पूरी आशा है कि यदि सब डिस्ट्रिक्ट में भारत के ऐसे गेम्स का आयोजन किया जाए जो भारत खेलों में अपनी पहचान पूरे विश्व में बनाने में सफल होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय गेम्स को हमेशा से प्रोत्साहित करता रहा है और हम इन सब एसोसिएशंस के साथ मिलकर अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए पूरा सहयोग देंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हरियाणा बहुत सारी चीज़ों में नंबर वन रहा है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो डिफेंस का मामला हो, चाहे औद्योगिकरण का मामला हो, चाहे कृषि में हरित क्रांति का मामला हो और खेलों का मामला हो, इन सब में हरियाणा अव्वल रहा है और अव्वल हमेशा अपने युवाओं के कारण रहा है। आज जरूरत है कि भारत जो हरियाणा के युवा हैं वो अपने छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाएं, चाहे वो खेती पर आधारित हो, चाहे उद्योगों पर छोटे छोटे आधारित हो, चाहे और उद्योग धंधे हों, उनको जब वो अपने अपने उद्योग धंधे लगाएंगे
तो इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, बाकी को भी रोजगार मिलेगा और जो भारत हरियाणा में इतने संसाधन पाए जाते हैं उनका पूरा विकास होगा। हरियाणा में बहुत ज़्यादा विकास की अभी संभावनाएं हैं, विशेषकर खेती में। युवाओं को मैं यही कहूँगा, आज बदलते परिवेश में अपनी प्रतिभा को निखारते हुए इन जितनी भी संभावनाएं आज हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, खेती में, हॉर्टिकल्चर में, प्लांटेशन में, डेयरी में, आईटी में, इन सब में मिलती हैं, इन सब का पूरा पूरा फायदा उठाएं। सरकार भी आज सहयोग करती हैं, सारी यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, भारत सरकार सब युवाओं को रोजगार देने में और उनको काम करने में मदद देने के लिए तैयार है। थैंक यू।